नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो सर, आज की आप लोग इस क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पर RRB NTPC की। ओके, तो सर आज हम आपको बता दें, आज हम लोग यहाँ पर RRB NTPC यानी कि ग्रुप डी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे विज्ञान के। तो ये करके दिखाओ, आज आपको यहाँ पर 30 में से 25 बिल्कुल सही क्वेश्चन करके दिखाना है, 30 में से 25 सही। रेलवे में आपकी सीट बिल्कुल पक्की। तो देखते हैं आज कितने क्वेश्चन आपसे होते हैं बिल्कुल सही, कितने गलत। तो आइए जानते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, चलिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है ये आपको बताना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बताना है भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है। 70 क्वेश्चन का मैं आपको समय नहीं दूंगा, सिर्फ एक या दो सेकंड के अंदर ही मैं जवाब दे दूंगा। अगर आपको पता होगा तो आप बताएंगे, नहीं पता होगा तो उससे पहले मैं आपको बता दूंगा। 70 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पास्कल। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से 70 क्वेश्चन का डी आ रहा है। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं आज बहुत ही अलग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ सर। और अगर आपको ये क्लास आज की इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलकर शेयर कीजिएगा। तो लघु विकृतियों के लिए अनुधैर्य प्रतिबल और अनुधैर्य विकृति के लिए अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको कह सकते हैं पास्कल। वैसे तो यूँ इसका मात्रक है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बट इक्वल टू ये हमारा पास्कल होता है। आप हमारा अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसको बताइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, एकदम बोले तो मस्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। अब आपको बताना है यहाँ से प्रक्षेपी गति में कुल उड़ान समय होता है, चलिए किसके समतुल्य होता है आपको बता दें यहाँ से। 71 क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका डी है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दोगुना। तो अगर आपका आंसर यहाँ से डी आ रहा है, दैट्स अ परफेक्ट, ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है आपका डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को एक या प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को क्या बोलते हैं, इसको बताइए। काम, शक्ति, तीव्रता या फिर बल। 72 क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ये होगा आपका वर्क यानी कि काम। तो जिनका भी आंसर यहाँ से वर्क आ रहा है, काम आ रहा है, वेरी गुड सर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के मुताबिक दो वस्तुओं के बीच का बल होता है, क्या होता है बताएंगे आप सभी। 73 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, उनके द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। ओके, तो अगर आपका भी आंसर यहाँ से आ रहा है उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक, तो ऐसे में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। चरम वेग, सर आपको मालूम है चरम वेग क्या है? पहले बढ़ता है, फिर घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ने से पहले घटता है, या फिर हमेशा बढ़ता रहता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा आपको बता दें। 74 क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ऑप्शन बी आएगा यहाँ से, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है। तो चरम वेग जो है आपका इज कांस्टेंट, अगर जिनका भी आंसर आ स्थिर रहता है तो बिल्कुल आपका राइट होगा, वेरी गुड सर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसको बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? चलिए अब आपको सर यहाँ पर क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? कास्ट कोयला, संक्रियत कास्ट कोयला, ठीक है ना, या फिर आपका हो जाएगा यहाँ से संक्रियत नारियल कास्ट कोयला, या फिर आपका होगा कार्बन कज्जोल। ओके, तो आइए आपको बताते हैं यहाँ से सर आपका सही जवाब क्या होगा। तो 75 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी आएगा, एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। तो सर अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल, ये आपका बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों में लगता है आज साइंस देखने वाला कोई नहीं है, तो प्लीज़ जाकर वीडियो को पहले जाकर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो इस क्लास को जाकर
पहले शेयर कर दी ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाएँ, तो प्लीज़ पहले वीडियो को जाइए जाकर शेयर करिए ताकि आज इस क्लास में सभी लोग आ पाएँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको साइंस की भी एक अलग से क्लास प्रोवाइड कराऊँ जो कि प्रीवियस पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है, तो जाइए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आपके सामने है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। तो 76 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। ठीक है, तो 76 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी है, लेस देन दैट एट सी लेवल। तो अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। अब आपको बताना है यहाँ से सर, जब तरल और उसके आसपास के बीच का, आपको यहाँ पर दिया गया है जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दो गुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी, चार गुनी, दो गुनी, तीन गुनी, या फिर आपका रहेगा उतनी ही रहेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, 77 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ये डबल हो जाती है। ठीक है ना, तो अगर आपका भी आंसर डबल हो रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। कोई वस्तु 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ये है दैट्स अ मोस्ट टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। तो आइए, लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है। तो देखिए 79 क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है 12, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आपकी 12 है, तो F कितना हो जाएगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F मेरा हो जाएगा यहाँ से माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अवतल दर्पण है, तो F बराबर आ जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, U दे रखा है, U बराबर मेरा हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालेंगे, 1/B बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/B बराबर क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आपको बता दें, 1/B बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/-6 माइनस 1/-10। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, ऐसे 30 आ जाएगा, 6 × 5 = 30, माइनस का 5, 10 × 3 = 30, प्लस का 3, तो 5 में से 3 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा माइनस का। ओके, तो सर इसको मैंने जब सॉल्व किया, हमारा यहाँ से माइनस का 15 आ गया, तो वी बराबर आ जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, और माइनस का मतलब हो जाएगा मेरे यहाँ से अवतल लेंस के लिए, ठीक है ना, अवतल दर्पण के लिए। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 15 सेंटीमीटर। जिनका भी आंसर 15 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार किसका संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है, चलिए बताइए। तो यहाँ से सर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आएगा, इसको बोलते हैं हस्तक्षेप, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जिसका भी आंसर यहाँ से इंटरफेरेंस आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट हो गया, परफेक्ट हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, दैट्स अ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डायोड। ओके, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर जनरली यूज फॉर रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, या फिर हो जाएगा आपका फिल्टरेशन। डायोड का प्रयोग जो निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो सर 81 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा परिशोधन के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, और डायोड हमारा एक दिशीय होता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किससे रिलेटेड है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमारा किससे रिलेटेड है, ये आपको बताना है। 82 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, जी बिल्कुल सर आपने राइट बताया, ऑप्शन डी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे में अगर आपका आंसर यहाँ से डी आ रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा। तो सर अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि देखिए मुझे रिस्पॉन्स चाहिए बस आप लोगों का। अगर आप सब लोग मिलकर सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए जितना भी मुझसे हो सकेगा
ठीक है ना, अगर आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा तो जितना हमसे हो सकेगा मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो 83 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ रहा है, वेरी गुड सर। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया, इसको बताइए। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है? अब आपको बताना है गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। सही जवाब होगा हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध लगाकर। तो ऐसे में आपका सही जवाब होगा आपका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहते हैं? वेरीमीटर, क्रायोमीटर, एरोमीटर या फिर साइनोमीटर। 85 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा, किसी वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने पर प्राप्त होता है और इसको मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपका आंसर यहाँ से एरोमीटर है, बिल्कुल आपका राइट होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था? अब सर आपको बताना है यहाँ से गैस टरबाइन का आविष्कार किसने किया था। तो 86 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा जॉन बॉर्वर। ठीक है ना, तो गैस टरबाइन का आविष्कार किया था जॉन बॉर्वर ने। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया, इसको बताइए। वायु में से कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? मैं PDF फाइल का लिंक आपको जो है वीडियो के नीचे दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी PDF फाइल होती हैं, इसलिए मैं सीधे आपको ढूंढना ना पड़े। अगर मैं डायरेक्ट फिल कहता हूँ आप लोग वीडियो कहाँ हैं, इसके आंसर कहाँ हैं, बार बार क्वेश्चन आपके आते हैं तमाम, तो मैं सीधे आपको जो PDF फाइल है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। तो मैंने जो भी वीडियो प्रोवाइड कराई है उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर मैंने दे रखा है, लिंक दे रखा है, इंक्लूड कर रखा है, शामिल कर रखा है। जब क्लिक करेंगे आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। PDF फाइल डाउनलोड करिए, अगर कुछ समझ में ना आए वीडियो देखिए, आपको आंसर उसके मिल जाएंगे। ओके, तो 87 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा सी वाला हो जाएगा हमारे यहाँ से, वैद्युत कण संचालन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक होता है प्रतिरोधक, हमारा यहाँ से संगणक, प्रेरक या फिर हो जाएगा ट्रांसफार्मर, बताइए। ओके, तो 88 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से संगणक। तो अगर आपका आंसर यहाँ से बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आपको बताना है यहाँ से हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। 89 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक, यानी कि काला। ठीक है ना, अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू कंप्यूटर्स व्हाट इज वेटवेयर, दैट मींस 90 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो यहाँ से आपका सही जवाब होगा ह्यूमन ब्रेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैंक दे रखा है आपको। इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज विच स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस टू इंक्रीज द जनरल स्पीड ऑफ अ सिस्टम। यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, ALU, IC, RAM या फिर हो जाएगा आपका PDF। क्या लगता है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा सर? तो 91 क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ये होगा आपका ऑप्शन सी है, RAM यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो आपको बता दें यहाँ से आपका 92 क्वेश्चन का सही जवाब होगा कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं CU, कंट्रोल यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट एक्सप्रेस द प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स सच एज CSS इज कॉल्ड। सर CSS की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है? वेरी गुड सर, आपने बिल्कुल राइट बताया, स्टाइल सीट लैंग्वेज। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ से आ रहा है स्टाइल सीट लैंग्वेज आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट होगा, वेरी गुड। अब ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है,
which algorithm is used to decide the path to transfer the packets from source to destination? तो यहाँ से आपका 94 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ए आएगा राउटिंग, यानी कि मार्ग निर्देश। तो जिनका भी आंसर यहाँ से राउटिंग आ रहा है, मार्ग निर्देश आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट होगा। अब आपको बताना है किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है, किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है। 95 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन बी आएगा, प्रचक्रण क्वांटम संख्या इसको बोलते हैं, प्रचक्र, ठीक है ना, प्रचक्रण क्वांटम संख्या, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। और अब मैं आपको ले चलता हूँ आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए सर, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वास्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओके, 96 क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए आएगा, एथोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय में किस एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को, पेप्सिन, लार एमाइलेज, या फिर होगा आपका अग्नाशय नली। तो कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? तो आइए आपको बताते हैं यहाँ से, 97 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा पेप्सिन। तो अगर आपका आंसर यहाँ से पेप्सिन आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट होगा, वेरी गुड। ले चलते हैं आपको आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, मीवोमियन ग्रंथि किस में स्थित होती है? तो 98 क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर है ये होगा हमारे यहाँ से आँख में। 99 क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, विटामिन डी। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? ओके, तो आइए आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी है, रक्त में टी कोशिका। ओके, तो अगर सर आपको आज के क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से आपके नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSET की क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार।